शिक्षा विभाग के संविलियन की मांग को लेकर आजाद पक्ष के संघ रीवा के बैनर तले चल रहा है क्रमिक अनशन। आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सीईओ के चर्चा कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई सार्थक निर्णय नहीं हो सका, जिसके चलते आजाद अध्यापक शिक्षक संघ आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जो अपनी मांगों को पूरा न होने तक अनवरत जारी रखेगा। आइए आपको सुनाते हैं आंदोलनकारियों ने क्या कहा। यहाँ भी आजादी के स्तर पर भी सरकारी स्तर पर हमें जो भी जानकारी मिली है वो इन लोगों ने प्रदर्शन चल रहा है जहाँ तक अध्यापक संघ को दो तीन दिन से आमरण अनशन भी चालू कर दिया, क्या मुख्य वजह है इसकी, क्या मांगे हैं आपसे? आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा विगत 11 मई से मध्य प्रदेश के तमाम जो भी अध्यापक संवर्ग था उनको 1 जुलाई 2018 से शिक्षक संवर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 4 वर्ष बीत गए, लेकिन रीवा जिले में लगभग और सतना जिले में भी हैं, लेकिन रीवा जिले में लगभग 1200 ऐसे अध्यापक संवर्ग हैं जिनको अभी तक 4 साल में शिक्षक संवर्ग में शामिल नहीं किया गया। इनका कहना है कि ये लोक आयुक्त प्रकरण में इनका नाम शामिल है, जबकि किसी को भी आरोपी सिद्ध नहीं किया गया। पहले भी इनको छानबीन समिति के माध्यम से इनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए, इनको 2007 में अध्यापक बनाया गया। हमारा शासन प्रशासन से कल भी हमारी डीओ और यहाँ के सीईओ जो है इनसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। आज के लिए उनने बोला है कि यहाँ पर आएंगे, अभी चर्चा करेंगे, और एक दिन पहले डीओ आए थे, लेकिन इनके द्वारा अभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है जो हमारे अध्यापक संवर्ग के हितार्थ हो, और ये कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा आज जो निर्णय होगा, यदि आज हम प्रशासन को देख रहे हैं, अभी हमारी डीपीआई में भी संचालक महोदय के द्विवेदी जी से भी चर्चा हुई है, उन्होंने भी सीईओ और डीओ से चर्चा की है, यदि आज ठोस निर्णय शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता है तो हम अध्यापकों के लिए सबको सैकड़ों की तादाद में आमरण अनशन के लिए कल से बैठने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे जो साथी हैं उनकी तबीयत खराब हुई है और ये गंभीर मामला है, सारे लोगों में आक्रोश हो रहा है, और यदि इनके साथ में किसी प्रकार की अप्रिय कोई घटनाएं होती हैं तो शासन प्रशासन यहाँ का उग्र आंदोलन को संभाल नहीं पाएगा। भरत पटेल, प्रांत अध्यक्ष, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। क्या इनकी मांग है, क्या आपने और ये इनके ये सब हमारे आदरणीय हैं, शिक्षक हैं और समाज के रचनाकार हैं, तो सबसे पहले तो मैं इन सब का आदर इन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, गुरुजनों की प्रतिष्ठा समाज से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा है और हमारी भी, हमारा भी निर्माण किसी गुरु ने ही किया है, तो गुरु हमेशा पूजनीय है हमारे लिए, शिक्षक पूजनीय है, इसलिए वो उनकी समस्याओं के जो भी समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ पर वो एकत्रित हुए हैं, लगातार बैठ रहे हैं, तो एक अपना एक आदर व्यक्त करने, उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी कल और आज आज़ाद अध्यापक संघ के प्रतिनिधिगण हमसे मिले थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं, हाई कोर्ट का आर्डर और दूसरे जो बिंदु हैं उन पर मैंने चर्चा की है अधिकारियों से, सरकारी प्रशासनिक स्तर पर और राज्य स्तर पर, जो भी संभव होगा मैं इनके समर्थन में, इनकी समस्या के निराकरण में प्रयास कर रहा हूँ, वो करूँगा। हाँ, वो है, समस्याएं हैं इनकी और मैं प्रयास करूँगा कि सरकार इनकी बातों को माने, सरकार का पक्ष इनका पक्ष सरकार के समक्ष और मैं भी रख सकूँ और बाकी ये लोग भी रख रहे हैं, मैं भी रखूँगा, ये इतना तय है। प्रशासन से भी मैंने थोड़ा बात की है पहले भी, अभी भी बात कर रहा हूँ।